हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका फिजिक्स की क्लास में मैं स्वागत करता हूँ। ब्रजेश जाधव, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बारे में बात करते हैं अपन। देखो, अब जो टॉपिक चल रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी डेफिनेशन है, देखो सिंपल सी बात आप ये समझ लो। हमने अभी तक क्या पढ़ा था? अभी तक पढ़ा था कि अपने पास एक चार्ज होता था Q1, Q2 होता था, ठीक है। यहाँ पढ़ते हैं अपने अपने पास एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है हमारे पास माइनस क्यू। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बहुत कम है, अपन कह सकते हैं डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर या 0.1 डेसीमीटर। तो इसको मैंने डिस्टेंस को लिखा है 2D। 2D का मतलब ये होता है कि दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, 2D से। अब देखो इसकी मैं डेफिनेशन बनाता हूँ, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। हमने एक आवेश लिया है, चार्ज लिया है प्लस क्यू, एक लिया है माइनस क्यू। बात करें तो हमने हमारे कितने आवेश हैं, दो आवेश। कैसे हैं, विपरीत हैं। तो कैसे आवेश हैं, विपरीत हैं, दो विपरीत आवेश। पहली बात तो विपरीत आवेश परिमाण में समान, परिमाण का समान का मतलब ये होता है अगर ये 10 माइक्रोकूलाम का है तो ये भी 10 माइक्रोकूलाम का है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड सेम है। दो विपरीत आवेश परिमाण में समान तथा एक दूसरे से अति अल्प, मैंने बताया था आपको अति अल्प मतलब होता है बहुत छोटी दूरी, अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के युग्म। अब देखो युग्म बना, किस किस से युग्म बना, प्लस क्यू और माइनस क्यू का युग्म बन गया। तो दो विपरीत आवेश, विपरीत का मतलब एक तो प्लस का हो जाएगा और एक किसका हो जाएगा, माइनस का, परिमाण में समान तथा एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार के युग्म को क्या बोलते हैं, बोलो, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, विद्युत द्विध्रुव। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं अपन। इलेक्ट्रिक डायपोल कितने चार्ज हैं, दो, प्लस क्यू और माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम लेना है अपन को, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल किसमें, टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट। तो दो चार्ज हो गए हमारे पास में, किसमें, एक सिस्टम के भीतर, जिनका मैग्नीट्यूड क्या रहे अपने पास, टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट। टू इक्वल, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो सकता है, सेम हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, एंड अपोजिट टू ईच अदर अपार्ट ले सकते हैं यहाँ पर, या ले सकते हैं सेपरेटेड। ए स्मॉल वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो जो चार्ज है वो किस कैसे हैं, इक्वल हैं, मतलब कह सकते हैं सेम है, किसमें, मैग्नीट्यूड में। इसकी वैल्यू क्यू है, लेकिन दोनों अपोजिट कैसे हुए, इसके पास चार्ज पॉजिटिव है, इसके पास कैसा है, नेगेटिव। तो ये अपोजिट का मतलब ये होता है दोनों पर चार्ज अपोजिट है, ईच अदर, एक दूसरे के, अपार्ट
दूरी बनाए हुए हैं, सेपरेटेड हैं ए स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो मेरी बात सुनो, सिंपल सी डेफिनेशन है, हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूँ एक बार मैं आपको, कि दो आवेश, दो विपरीत आवेश परिमाण में कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, और दोनों एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर अगर स्थित होते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल या टू सेम, टू इक्वल चार्जेज इन मैग्नीट्यूड्स, कैसा मैग्नीट्यूड है उसका, सेम मैग्नीट्यूड है, एंड अपोजिट टू ईच अदर, जो एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम का मतलब होता है इसके पास भी क्यू है, इसके पास भी क्यू है, मतलब अगर इसकी वैल्यू मैं कहूँ 5 माइक्रो कूलम है, किस में प्लस में, तो इसकी कितनी होगी 5 माइक्रो कूलम, किस में माइनस में, बात समझ में आ गई। दोनों की वैल्यू सेम है, परिमाण सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, नंबर सेम है, संख्या सेम है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड सेम है, परिमाण समान है, परिमाण कैसा है समान है, और दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल, इसको ध्यान रखना स्मॉल डिस्टेंस, बहुत कम, अति अल्प दूरी। नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं अपन, इसके बाद में मैं एक डेफिनेशन करवा रहा हूँ इसकी। नेक्स्ट है विद्युत विद्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल देखो एग्जाम में कई बार इसी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। अभी हमने एक बात पढ़ी थी, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने डिस्टेंस लिया है भाई, वी टेक डिस्टेंस 2D, ये 2D से इसको रिप्रेजेंट किया है, इसको रिप्रेजेंट किया अपन ने, ओके, कि एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन ने मेंशन किया है 2D से। अभी आपको और बताएंगे इसके बारे में, तो इसको देखते हैं क्या होता है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन ने क्या ली 2D, इन दोनों का एक मिड पॉइंट ले लिया, मध्य वाला बिंदु, इसको नाम दिया अपन ने O। अगर अपन ऐसे याद करें कि अगर ये 2D है तो यहाँ से आज तक की अपनी कितनी हो जाएगी D, और ये कितनी हो जाएगी D, तो 2D हो गई, सिंपल सी बात। अब डेफिनेशन बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, सुनना मेरी, बहुत सिंपल है। अब दोनों में से कोई भी एक ले लो, और कोई भी एक आवेश ले लो, एक कोई भी एक चार्ज ले लो, एनी वन चार्ज, प्लस क्यू और माइनस क्यू, लेकिन अपन क्या लेना है, परिमाण लेना है। तो मैं लिखता हूं किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, देखो दो आवेश है, दोनों आवेशों में से किसी को ले लो, परिमाण का मतलब ये होता है क्यों ही रहेगा पॉजिटिव, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की अल्प दूरी, इसमें केवल यह बताया था कि एक आवेश लेना है और दोनों के बीच की अति अल्प दूरी होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव, लेकिन यह कह रहा है किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की अति अल्प दूरी, कितना माना है अपने इसको 2D के गुणनफल को, के गुणनफल को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसको लिखा जाता है P से, और आपको याद दिला दूं, याद रखना है आपको ये वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है ये वेक्टर, इसको इंग्लिश में देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज ए वन चार्ज, कौन सा लेना है, ए चार्ज
चार्ज, वन ऑफ चार्ज हैव ए मैग्नीट्यूड, वन ऑफ चार्ज इन ए मैग्नीट्यूड, ए चार्ज इन ए डाइपोल मोमेंट इज डिफाइन एज ए चार्ज इन ए मैग्नीट्यूड, किसमें लेना है मैग्नीट्यूड में, एंड ए प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट ए चार्ज इन ए मैग्नीट्यूड एंड सेपरेटेड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, दोनों का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, किस इसका बताओ, कोई एक चार्ज ले लिया अपन ने चार्ज, और दोनों के बीच की डिस्टेंस, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, डिस्टेंस कितनी हो गई 2d, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। वापस देख लो, किसी एक आवेश का परिमाण था उनके मध्य की अति अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसको लिखते हैं पी वेक्टर से, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइन एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए चार्ज, किसी एक चार्ज का, ऑफ वन चार्ज कह सकते हैं, ऑफ वन चार्ज इन ए मैग्नीट्यूड एंड सेपरेट एंड सेपरेटेड डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डिस्टेंस, और जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है दोनों को मल्टीप्लाई करते हो क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलता है। और वापस देखते हैं इसको एक बार, पी इक्वल टू क्यू का मतलब क्या है, एक ऐसा चार्ज लिया है जो मैग्नीट्यूड में है, इसका परिमाण है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इन टू क्या लिया अपन ने 2d, क्यू इन टू 2d। अब देखो ये कैसी क्वांटिटी है, अभी तो बता दूंगा मैं आपको, ये फॉर्मूला आपका बना है, दिस इज ए न्यू फॉर्मूला, आपका इस टॉपिक से नया फॉर्मूला बना है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2d, कुछ कई तो बुकों में ऐसा लिखा रहता है क्यू इंटू 2d, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, तो वेक्टर की बात करते थोड़ी सी, कैसी राशि है ये, सदिश राशि, ये सदिश राशि है। सदिश में क्या होता है देखो एक बार, यहां लिखा अपन ने P, Q और 2d पर लगाया अपन ने वेक्टर, तो ये हो जाएगा वेक्टर, अगर ये वेक्टर तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, बिल्कुल डायरेक्शन होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, डायरेक्शन इज माइनस फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज। मैं इसको एक डायग्राम से बताना चाहूंगा, अगर हमारे पास यहां प्लस क्यू चार्ज है और यहां अगर हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, तो इसकी जो डिस्टेंस 2d ली अपन ने, तो जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, ऐसे होगी, और क्या लिखेंगे इसको बेटा, P वेक्टर। अगर मान लो हमारे पास यह माइनस क्यू है और इधर प्लस क्यू है, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर यहाँ प्लस क्यू यहाँ पर माइनस क्यू, तो माइनस टू प्लस होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, अगर यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस, दिस इज सेपरेशन डिस्टेंस 2d। अब देखो होगी डायरेक्शन माइनस टू प्लस, ऐसे हो जाएगी, जो मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर P तो ठीक है, Q कोई दिक्कत नहीं, Q के पास कोई डायरेक्शन, चार्ज एज ए कंजर्वेटिव क्वालिटी, दिस डज नॉट हैव ए एनी डायरेक्शन, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, बात 2d की हो रही है, 2d को वेक्टर कैसे बताया सर आपने, देखो 2d का मतलब हमने माना है, मैंने अब कहा था स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, अति अल्प दूरी, तो अति अल्प बहुत कम दूरी, और बहुत कम को तो अपन डिस्प्लेसमेंट भी तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और विस्थापन कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है,
तो उस हिसाब से अपन इसको बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, मैंने कहा 0.1 mm या 0.001 mm इस तरह से होती है, बहुत छोटी होती डिस्टेंस। तो ये हमारा यहाँ तक टॉपिक कवर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, इसी के ऊपर अपन डायरेक्शन शुरू करते हैं।